जी हाँ, आपने सही देखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होने वाला है स्टार्ट और आप लोगों को करना है बगल अब। तो आज के न्यूज़ के हिसाब से वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये साफ कर दिया है, अगला मंथ जुलाई 15 से आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चालू होने वाला है। मतलब कि अगला मंथ से आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग रहना है स्टे ट्यून। बात रही आप लोगों का मेरिट बेस्ड होगा या फिर एंट्रेंस बेस्ड, तो देखो मैंने पिछले बार भी साफ कर दिया था और वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि इस बार होगा आपका मेरिट बेस्ड है, CUCET नहीं होगा। कोविड के चलते CUCET नहीं होगा। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं चैनल में डाल देता हूं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और अगर आप कोई भी डाउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से, SRCC के एडमिशन प्रोसेस से, या फिर किसी भी CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड से, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस और बहुत सारी चीज बताते रहता हूं। तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो कैंसिल कर दिया था CBSE बोर्ड एग्जाम से, उससे खुश नहीं है। यानी कि CBSE ये डिसीजन से खुश नहीं है कि CBSE एग्जाम कैंसिल हो गया। हालांकि रिव्यू तो हो ही रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं बोलना लेटेस्ट अपडेट आने के लिए। आपका स्टार्ट होगा मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस जुलाई 15 से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपको रहना है स्टे ट्यून्ड और बकल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।